असलम वेलकम बैक टू आर ब्रांड न्यू ब्लॉग आई होप सब ठीक ठाक होंगे सो so गाइज आज एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है तो मैंने चलो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट बस नीचे आई थी और नाश्ता वगैरह किया मैंने और किचन वगैरह बस क्लीन किया है और अभी मेरी सिफाइयाँ रहती हैं क्योंकि मैंने चाय पीनी थी चाय मेरी ना बहुत गर्म मैं मतलब गर्म चाय नहीं पीती थोड़ी सी नॉर्मल होती है तब पीती हूँ तो मैं बस चाय का वेट कर रही थी चाय पी है और साथ ही एजल ने जो है आ, क्या नाम है रोना शुरू कर दिया उसको अब लटाया उसकी पहले नैपी चेंज की थी उसको लटाया उसको फीडर दिया तो मैंने कहा ब्लॉक को करती हूँ स्टार्ट उसके बाद जो है फिर अब सफाइयाँ शुरू करती हूँ और आज जो है डिनर में मैं बनाने लगी हूँ जी आलू गोश्त और साथ मटरों वाला पुलाव तो वो भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग देखना कि मेरा क्या तरीका है मैं किस तरीके के साथ बनाती हूँ सो चलो चलते हैं और टाइम बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है मैं चीज़ें वगैरह उठाती हूँ इनके टॉयज़ वगैरह हो या ब्लैंकेट हो कुशन वगैरह ठीक करती हूँ सोफे वगैरह झाड़ती हूँ क्योंकि सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जबकि आप पहले ये चीज़ें ना करो तो मैं सबसे पहले यही चीज़ें करती हूँ इनकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करती हूँ अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ फिर कूवर और ब्रश वग़ैरह करती हूँ सो so, बस अब चीजें वगैरह सेट करूँगी उसके बाद जो है इनके अर्शमान जो है कार्स के साथ भी खेल रहा था तो वो कार्स वगैरह भी उठाती हूँ ये इसकी कभी इधर रुलती है कभी उधर जी तो मैं यहाँ पे ब्रश करने लगी थी तो मुझे जो है एकदम मैंने जब ब्रश उठाने लगी तो मुझे याद आया कि रात को तो ब्रश ही हमारा जो है टूट गया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखें रात को ब्रश ही टूट गया अब पता नहीं अब मुझे कोई और ब्रश ढूंढना पड़ेगा और उस ब्रश के साथ फिर सफ़ाई करती हूँ क्योंकि फ्लोर जो है हम लोग हुबर नहीं करते उसके ऊपर उसके ब्रश करते हैं और बाहर का भी जो है मैंने डोर खोल दिया है क्योंकि ना आज आज ऐसा मौसम है जैसे पाकिस्तान में बारिश के बाद हबस नहीं हुई होती मतलब ऐसा मौसम हुआ हुआ बहुत ही हबस वाला है कोई हवा नहीं को कुछ नहीं है चलो अब मैं पहले ब्रश का अरेंज करती हूँ फिर मैं ब्रश फेरती हूँ तो मैंने काम वगैरह घर का सारा कर लिया है मतलब कि हुबर भी हो गया है और जो है ब्रश भी कर लिया है तो मप जो है वो मैं बाद में करूंगी सबसे पहले जो है बाहर कपड़े डाल के आते हैं मैंने एजल के वॉश किए थे एजल के वॉश किए थे कपड़े तो मैं बाहर डाल के आती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम लोग आलू गोश्त रख के उसके बाद फिर एजल को हम खाना खिलाएंगे मैंने कपड़े जो है हाथ में पकड़ लिए हैं क्योंकि बास्केट ऊपर थी तो मैंने कहा मैं ऊपर जाऊं फिर तो चेयर पे रख लेती हूँ कपड़े और कपड़े डाल लेती हूँ गाइस मुझे इतने प्यारे लगते हैं इस के कपड़े छोटे छोटे से इतने क्यूट से हैं तो जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना मैं इसके साइज देखती रहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये साइज़ और बड़ा होता जाना है अब आपको पता है कि बच्चे जो हैं पता नहीं चलता जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं स्पेशली जो बेटियां होती हैं ना वो बहुत जल्दी बड़ी होती हैं तो मैं तो इसके कपड़े जो है ना माशाल्लाह देखती रहती हूँ और इसके जो है कपड़े वन वीक के बाद मैं धोती हूँ तो इसलिए ज़्यादा आप लोग ये ना समझना कि पता नहीं एक दो दिन के बाद ही इतने कपड़े मतलब मैं वीक में हर बंदे की एक एक बार मशीन लगती है मतलब मेरे लैदा होते हैं सुलेमान के लैदा होते हैं बच्चों के आशमान की मैं कठी मशीन लगाती हूँ लेकिन एजल के जो कपड़े हैं ना अभी मैं जो हूँ अलहैदा से ही धोती हूँ क्योंकि वो छोटी है तो इसीलिए जो है ना मैं उसकी लैदा मशीन लगाती हूँ तो ये वन वीक के कपड़े हैं तो कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से और अब जो है ईज़ल को मैंने कहा खाना खिला देती हूँ क्योंकि फिर मैंने खाना बनाना है तो मैंने कहा सो जाएगी पेट भरा होगा तो इसीलिए सबसे पहले अब मैं उसको खाना खिलाऊंगी क्योंकि उसको भी ब्रेकफास्ट करवाना ज़रूरी है सुबह उसने मेल की पिया था तो उसकी भी बच्चों की भी तो फिर काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है कि कब उनका खाने का टाइम है कब सोने का टाइम है और इधर मैडम देखें नाश्ता करके बैठ गई है और मैंने चेयर से निकाल दिया कि अब थोड़ा सा प्ले कर लें ईज़ल माशाला से एजल से बाय 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 जी गाइस तो शुरू करते हैं और थोड़ी देर मैं बैठ गई थी फोन देखना शुरू हो गई और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने जो है एज यूजल गोश्त को भी खोया हुआ है तो बस जल्दी से जो है करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए क्योंकि फिर मुझे काटनी पड़ती है तो छोटे छोटे पार्ट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैं वॉश कर लूँ फिर मैं आपको लोगों से मिलती हूँ एज़ यूजल जैसे कि हर हांडी से पहले आप लोग अदरक लहसुन और प्याज को छीलते हैं तो मैं भी वही करना शुरू हो गई थी क्योंकि ये अगर तीन चीज़ें छीली चीज़े चीज़े जाएँ तो समझो आपकी हंडिया जो है आधी रेडी है तो बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया था बाकी तो काम ख़त्म हो गए थे बस कुकिंग थी वो शुरू कर दी थी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया और बाकी टमाटर प्यूरी डाली थी फ्रेश टमाटर डालती हूँ लेकिन वो नहीं थे वो बाहर वाले फ्रीज़र में थे और यहाँ पर जो है बाकी नमक मिर्च मसाले जो आप लोगों को पता है कि हर हंडिया में जाते हैं तो वो मैंने अपने हिसाब से डाले थे आप लोग अपने हिसाब से डाल लें जो भी आप लोग डालते हैं दालचीनी वगैरह अब मैं जो हूँ अदरक जो है वो मैं कर रही थी ग्रेट एज़ यूजल जैसे मैंने हर हांडी के टाइम ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि चॉपर जो है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अगर जैसे कोई हो आ, कोई ऐसी चीज़ होती है जब चॉप करनी हो तभी मैं चॉप करती हूँ वरना मैं ग्रेट कर लेती हूँ तो बस अब इसको प्रेशर लगाने की तैयारी कर रही थी मैं और पता नहीं यहाँ पर मैं क्या ढूंढ रही थी अभी मुझे याद भी नहीं है तो हाँ इसका कटर था जो कि टिन खोलना था अभी वो दूसरा टिन जो था ना वो थोड़ा सा तो मैंने कहा थोड़ा सा और डाल लेती हूँ ताकि ग्रेवी जरा ज़्यादा बने और शोरबा जो है ना फिर ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता ज़रा गाढ़ा गाढ़ा हो तभी अच्छा लगता है तो यहाँ पर जो है ऑयल जार में ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा ऑयल दी हूँ यहाँ पर मैंने साथ ही तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी जो मटर वाला पुलाव बनाना था क्योंकि मैं साथ ही बना लेती हूँ बाद में भी तो बनाना ही है ना तो बंदा पहले ही बना के फारग हो जाए तो प्याज वग़ैरह अब हो रहे थे ब्राउन और साथ मैंने कहा चलो आज एक टमाटर भी डाल लेती हूँ मटर वाले पुलाव में तो साथ मैंने एक टमाटर काट के डाला था ये आप लोग अगर डालना चाहते हो तो ठीक है वरना जो है आप लोग स्किप भी कर सकते हो साथ मैंने मटर भी डाल दिए थे और यहाँ पर नमक और मिर्च और जो भी आप लोगों ने डालना है मैं तो साथ ज़ीरा भी डालती हूँ टेस्ट के लिए और मिर्च भी थोड़ा सा डालती हूँ क्योंकि मुझे फिक्के राइस भी नहीं पसंद हाँ जी तो तड़का वगैरह तो सारा रेडी हो गया था अब मैं जो हूँ पानी डालने लगी थी अब यहाँ पर प्रेशर भी हो गया था तो मैंने कहा कि पानी भी बिल्कुल सूख गया हुआ था बिल्कुल अच्छे टाइम पे मैंने प्रेशर खोला अब मैं इसमें ऑयल डाल के इसको भूनूंगी और आलू भी मैंने छील लिए थे और चॉप कर लिए थे जितने अभी आलू गोश्त में रखना होता है तो बस ये डाल दिए मैंने और यहाँ पर जो है बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी पाँच मिनट उसके बाद मैंने पानी डाल देना है और फिर उसके बाद मैंने ये दो मिर्चें डालनी थी सबज़ और अगर आप लोग डालना चाहते हो तो डालने इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बस इसमें अब मैं शोरबे के लिए पानी डालूंगी जितना मैंने अपने हिसाब से रखना है तो वो मैंने पानी डाला और उसके बाद फिर मैंने जो है धनिया चॉप करके वो भी डाल दिया था साथ ही क्योंकि वो भी ज़रा पक जाता है तो अच्छा लगता है तो बस हंडिया जी मेरी रेडी हो गई थी मैंने लास्ट में गरम मसाला डाला और हंडिया मेरी रेडी जी गाइस तो मैंने सारा काम वगैरह तो कर लिया है सारे बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं और यहाँ पर जो है मैंने धनिया जो है छील कर रखा हुआ है मतलब छील के कह रही हूँ काट के छोटे छोटे ये ना मैंने इसको चॉप कर लिया है क्योंकि ना ये ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मतलब और ज़्यादा ख़राब ना हो तो बाकी ये है कि मैंने बर्तन वग़ैरह धो लिए हैं अब मैं माफ़ करने लगी हूँ कपड़ा मैंने धो लिया है तो बस फिर मेरा काम फिनिश गाइस तो चावल जो है मैंने डाल दिए और बस अब ये बॉइल होंगे फिर इसको दम पे लगाती हूँ और इधर जो है मेरी हंडिया भी हो चुकी हुई है रेडी तो इसको भी अब गर्म करते हैं दोबारा से जी तो ऑलमोस्ट जो है मेरे राइस का पानी सूख गया था बस इसको दम लगाने का टाइम आ गया है तो मैंने कब दम लगाते हैं इसको जी गाइस तो मैं अभी जो हूँ दम लगाकर और फारिग हुई हूँ सलाद वगैरह काटा दही बनाया और आज का जो दिन था मतलब काफ़ी ऐसे हैटिक डे था मतलब कि मैं किचन में कितनी देर काम करती रही हूँ और मुझे पता ही नहीं टाइम का जब मैं कमरे में गई तो फोर ओ क्लॉक हुए हुए थे तो मतलब आज का दिन मतलब बहुत ही बिजी बिजी था बच्चों के साथ और घर का काम हांडी जब कुकिंग करनी होती है ना उस दिन तो दिन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है सो so, बस अब चावलों का वेट करते हैं जैसे ही चावल बनते हैं फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ वैसे तो आप लोगों ने देख लिया है हंडिया की फाइनल लुक के बड़ा मजे का बनता है और सबको मेरे हाथ का आलू गोश्त बहुत पसंद है। दम जो है हो गया है तो तकरीबन मैंने एट नाइन मिनट्स दिए हैं तो अब चेक करते हैं कि बने हैं कि नहीं पता नहीं ये न्यू राइस है तो मेरे से ना थोड़े से सॉफ्ट पक रहे हैं ये मैंने पहले भी बनाए थे तो तब भी ऐसे ही बने थे या शायद मैं पानी ज्यादा लगा रही हूं इसीलिए चलो हमें तो वैसे सॉफ्ट पसंद है लेकिन पता नहीं हर चावलों का हिसाब डिफरेंट होता है यहाँ पर मैंने जो है प्लेट्स बनाना शुरू कर दी थी अपनी और सुलेमान की आप लोगों को पता है कि पूरी दोपहर तो मैं काम ही करती थी चाय तक नहीं मैंने पी मुझे यही था कि बस खाना बनेगा तो मैं अब तभी खाऊंगी तो बस जी मैंने कहा आप लोगों को फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ आप लोग भी कहोगे कि वीडियो को कम्प्लीट नहीं किया तो बीच में जो है आप लोगों ने बंद कर दिया तो मैंने कहा कि नहीं ये पहले मुझे वीडियो बना लेती हूँ फिर ही मैं खाती हूँ तो बस यहाँ पर मैं सलमान की ये प्लेट बना रही थी अपनी मैं बाद में बनाऊँगी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि शोरबा देखें कितना प्यारा कलर है और इतना मतलब ना पतला है ना गाढ़ा है शोरबा और बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे है तो ये है इसकी फाइनल लुक और बड़ा मज़े का बना था जी गाइस तो मेरे जो राइस हैं और आलू गोश्त रेडी हो गया है आई होप गाइस आपको ये रेसिपी जो है अच्छी लगेगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करना तो मैं तो इसी तरह आलू गोश्त घर में बनाती हूँ और सबको बड़ा अच्छा लगता है तो चलो अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद जी गाइस तो खाना वगैरह तो खा लिया था बच्चे आ गए हैं जी बाहर एज़ यूजल और यशवा भी घर आ गई है और बस आप लोगों को जैसे कि दिखाया था मैंने कि बरांडा जो है सारा साफ़ हुआ है और उस पर वार्निश वगैरह की है तो ये साइकिल वगैरह चला रहे हैं इसलिए सारी चीज़ें बाहर निकाल के रखी हुई हैं यहाँ पर भी सारी वार्निश की है और ये देखें नीट एंड क्लीन हो गया है अभी हम यहाँ जा नहीं सकते लेकिन ये है कि बस क्योंकि निशान ना लग जाए पाँव के बाकी अभी थोड़ी देर तक ये सूख जाएगा तो हम लोग फिर इसको जो है सारी चीज़ें बाहर अंदर रख देंगे और यहाँ पर एजल मैडम को हम लोगों ने लॉक कर दिया है कहती है मुझे बाहर निकालो तो हमने फिर इसको जो है हम क्योंकि इसने जूती नहीं पहनी हुई तो मैंने फिर सारी ट्रैम्पलिन साफ़ करके तो इसको इधर छोड़ दिया मैंने मैंने कहा चलो खेल ले तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया है सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी अल्लाह का शुक्र है तो अब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और मैं जा रही हूँ अंदर थोड़ा बहुत किचन का काम रह गया वो करते हैं हाँ जी गाइज तो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है मैंने कहा अपने व्यूवर से इजाज़त ले लूँ क्योंकि बस मैं भी काम नहीं लगी हुई थी किचन साफ़ कर रही थी फिर ऊपर आ गई कपड़े वगैरह जो वॉशिंग Uh, सारी थी वो लॉन्ड्री जमा हुई हुई थी तो वो सब कुछ फोल्ड uh, कर रही थी सो so, गाइज़ मैंने कहा कि मुझे भूल ही गया कि मैं एंडिंग करूं सो आई होप गाइज़ आज का व्लॉग आप लोगों लोग को अच्छा लगा तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्पेशली शेयर कर दिया करें लिंक को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी दौड़ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज